नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णवर्धन नक्सल। दोस्तों, जब मैं स्कूल से निकला, यानी स्कूल और कॉलेज खत्म करके निकला, तो एक तो पहले एक खाली सा महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरे सामने कोई डायरेक्शंस नहीं थे। बीकॉम खत्म हो गया था, अब क्या करूं, कहां पे नौकरी पे लगूं, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल थे। लेकिन सबसे ज्यादा एक एहसास ऐसे था कि मैं एक पागल बनाने वाले प्रोसेस से बाहर निकला। पागलपन जहां पे आपके अंदर डाला जाता है जानबूझ के, हर साल आपको ट्रॉमेटाइज किया जाता है, हर साल आपको आउट ऑफ कंट्रोल फील करवाया जाता है, हर साल आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसी चीजें ठूस ठूस के भरी जाती है जो आप लेना नहीं चाहते हो, आप ग्रहण करना नहीं चाहते हो। यानी ऐसे सोचो कि आपको किसी तरह से फोर्स फीड किया जा रहा है इंफॉर्मेशन, अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन, अलग अलग टाइप के स्किल्स, जिसकी आपको शायद जरूरत होगी भी, लेकिन आपको कभी कुछ किसी कोई चीज अच्छा लग रहा है वो भी मुंह में ठूस रहे हैं, और जो चीज अच्छा नहीं लग रहा है वो भी आपको ठूस रहे हैं, आपके मुंह में ठूस ठूस के भरा जा रहा है। और फिर देखते हैं कि भाई आपने इसमें से कितना डाइजेस्ट किया। बड़ा अजीब सिस्टम से निकला हुआ हूं ऐसे महसूस हुआ, और एक्चुअली मुझे ऐसे लगा कि यार 2 या 3 साल के लिए तो मैं सिर्फ रिकवरी करूं, कि मैं अपने आप को याद करूं कि मैं कौन हूं और कौन था, मैं कौन था जो ये प्रोसेस के अंदर घुसा था। इस तरह से महसूस हुआ, और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि शायद मैं ही अकेला हूं मेरे ग्रुप में, मेरे बैच में, जो अपनी सैनिटी को बचाकर निकला है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, और मेरे ग्रुप में बहुत सारे हाई अचीवर्स भी हैं, यानी मेरे हमारे बैच में, स्कूल की बैच की बात कर रहा हूं, बहुत सारे हाई अचीवर्स हैं, और मैं तो बहुत ही अपने आप को मीडियोकर पाता हूं। लेकिन उन दिनों में मेरा फीलिंग ये था कि मैं अपनी सैनिटी लेके निकला हूं, मैंने अपनी सैनिटी को किसी तरह से बचा लिया मीडियोक्रिटी के माध्यम से। यानी टीचर मुझसे कुछ करवाना था चाहते थे, मैंने नहीं किया, और इसलिए क्योंकि मैंने नहीं किया, मैंने आपको अपने आप को बचा के रखा, या न करके मैंने अपने आप को बचा के रखा। जितना होमवर्क दिया जाता था न करके, जितनी पढ़ाई करनी पड़ती थी अच्छे मार्क्स लाने के लिए न करके, बचते बचते, डांट खाते खाते, रिमार्क्स लेते लेते, कैलेंडर में मॉम एंड डैड से साइन करवाते, शर्मिंदा होके, किसी तरह से मैं उस प्रोसेस में से निकला। ये मेरा एहसास था। दोस्तों, स्कूलिंग सिस्टम का मैं फैन नहीं हूं, ये तो बाई नाउ आप जान ही चुके हो, लेकिन फैन क्यों नहीं हूं? पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, उसके कई सारे कारण हैं, कुछ अच्छे भी कारण हैं, देयर आर सम गुड रीजंस। अच्छे कारण, अच्छा कारण नंबर वन ये होता है मेरे हिसाब से कि बच्चों को एक तरह से स्टैंडर्डाइज किया जाता है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन पैकेजेस आप बच्चों को दे देते हो। मैथ में आप एरिथमेटिक सिखाते हो, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, स्क्वायर वगैरह, या एक बेसिक पैकेज अपलोड कर देते हो दिमाग, बच्चे के दिमाग के अंदर, या बच्चों को डाउनलोड, बच्चों से डाउनलोड करवाते हो जबरदस्ती, ज्योग्राफी, सर्टन अमाउंट ऑफ फैक्ट्स वगैरह जो आपको जानना चाहिए, भारत का नक्शा क्या है, भारत के पड़ोसी देश क्या है, कुछ जरूरी चीजें और कुछ बिल्कुल बकवास चीजें जिनकी कोई जरूरत नहीं है, वो आपके उनके आप उनके दिमाग में डाउनलोड कर देते हो। भारत का इतिहास तो अच्छी बात है, लेकिन भारत के इतिहास के साथ साथ आप बहुत कुछ कचरा भी डाल देते हो, और भारत के इतिहास के साथ साथ दूसरे देशों का भी इतिहास वगैरह कुछ, यानी समथिंग कुछ तो डाल देते हो, अपलोड कर देते हो बच्चों के दिमाग के अंदर। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन पैकेजेस आप बच्चों के दिमाग में डाउनलोड करवाते हो, यानी आप
स्कूल बच्चों के दिमाग में अपलोड करते हैं और बच्चे वो इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते हैं। तो ये टाइप से आप एक स्टैंडर्डाइज्ड ह्यूमन बीइंग को तैयार करते हो जो शहर में रहने के लायक है। ये मेरा मानना है कि आप एक स्टैंडर्डाइज्ड ह्यूमन बीइंग, एक स्टैंडर्ड इंसान को तैयार करते हो 21 साल तक, वो स्टैंडर्ड होके निकलता है। अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या? स्टैंडर्ड का मतलब मोर और लेस सबका सिमिलर सॉफ्टवेयर है, प्लस माइनस 20-30%, कोई कम जानता है कोई ज्यादा जानता है, लेकिन सबने ये सभी चीजें सुनी है। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड करने से क्या होता है? तो स्टैंडर्डाइज्ड करने से एक तो आप आपस में बात कर सकते हो, एक दूसरे को समझ सकते हो, एक यानी स्टैंडर्डाइजेशन जैसे। तो स्टैंडर्डाइजेशन में लॉस होता है क्या? इज इट अ लॉसी प्रोसेस? तो बिल्कुल लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि भैंस का दूध है, भैंस के दूध में जो मलाई है बहुत थिक रहता है। भैंस का दूध, एक ग्लास दूध ठंडा करने के लिए आप फ्रिज में रख दोगे, ओरिजिनल भैंस में से निकला हुआ गर्म किए बगैर, आपको इतना सा थिक मलाई मिलेगा एक ग्लास में से, इतना थिक यानी एक पूरी की तरह आप ऊपर से निकाल सकोगे। ब्रेड पे लगा के खाओगे तो आराम से दो सैंडविचेस करके खा जाओगे, इस तरह इतना सारा मलाई। अब वो भैंस का ओरिजिनल दूध, उस भैंस के दूध को आप स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क पैकेट से लेते हो तो आपको पता चलता है कि उतनी मलाई नहीं है, वो टेस्ट ही अलग है। सेम वे एक स्टैंडर्डाइज्ड ह्यूमन बीइंग है, एक स्टैंडर्डाइज्ड इंसान है और एक ओरिजिनल इंसान है। ओरिजिनल इंसान का जो ओरिजिनलिटी था, जो इंडिविजुअलिटी था, वो आपने सारा निकाल दिया और आपने एक स्टैंडर्डाइज्ड आइटम बना दिया। स्टैंडर्डाइज्ड करने से फायदा है, मार्केट के लिए अच्छा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अच्छा है, जॉब मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन जॉब मार्केट आज के तारीख में है ही नहीं। तो आपने क्या किया है, स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क बना दिया इंसान को, लेकिन उसको उसके लिए मार्केट ही नहीं है, उसका कंज्यूमर नहीं है, ग्राहक कहां है? वो स्टैंडर्ड इंसान के लिए ग्राहक कहां है, कौन है? अब उस स्टैंडर्ड इंसान को आपने उसकी जो ओरिजिनलिटी वो सारी चूस के निकाल दी। अगर वो ओरिजिनल होता तो वो कुछ सोच लेता, अपने लिए कुछ कर लेता, लेकिन आपने उसके पर काट दी, आपने उसको ट्रॉमाटाइज किया, हर साल आपने उसको डिसअपॉइंट किया हर साल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपने डिसअपॉइंट कैसे किया। हर साल दोस्तों जब आपका क्लास बदलता है, याद करो मेरे साथ तो ये बहुत हुआ है, क्लास बदलता है, पता चलता है अरे यार गए साल मेरी जो क्लास टीचर थी, मेरा उसके साथ अच्छा एक रिश्ता हो गया था, एक यू नो रिलेशनशिप हो गया था, वो क्लास टीचर अच्छी थी, वो मुझे पहचानती थी और मेरे गुण पहचानती थी और वो ये समझती थी कि मैं कुछ हूं एज अ ह्यूमन बीइंग। और इस साल जो टीचर आई है वो टीचर मुझे इंसान समझती ही नहीं है, वो टीचर का यानी कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, देयर इज नो कनेक्ट। मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहा है, ये क्लास टीचर मुझे करीब करीब ह्यूमन बीइंग समझती ही नहीं है, चल ओपन योर बुक पढ़ो, चलो हो गया, चलो बाय। तो आप एक शोक महसूस करते हो, एक मॉर्निंग पीरियड महसूस करते हो। कम से कम मैं समझता हूं आपका फर्स्ट पहले 3-4 हफ्ते तो आपके मॉर्निंग में चले जाते हैं इन दी एकेडमिक ईयर। मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ, कुछ टीचर्स के साथ अच्छा सेटिंग होता था, नेक्स्ट ईयर थम, दूसरा वो निकल गई और दूसरे यानी नेक्स्ट आप अगले क्लास में आप प्रमोट हो गए और आपको आपका एक ओरिएंटेशन रहता है वो पूरा हिल जाता है। सेम वे आपने कोई फ्रेंड्स बनाए, नेक्स्ट ईयर डिवीजन चेंज हो गया, मैं थर्ड सी में पढ़ता था, थर्ड सी से हो गया फोर्थ बी के बाद हो गया फिफ्थ ए, सब चेंज, बच्चे लोगों का फ्रेंड्स चेंज्ड, मेरे साथ में जो बैठते थे बदल गए, जो लोग नहीं बैठते थे आ गए, अब नया पहचान बनाओ, टीचर से नया पहचान बनाओ, सब्जेक्ट्स टॉपिक्स ठीक है सेम मोर और लेस सेम, लेकिन जो फेवरेट नहीं है टॉपिक नहीं है वो फर्स्ट पीरियड में कभी कभी आ जाता है। मैथ मेरा कम फेवरेट पीरियड था, कभी कभी वो फर्स्ट पीरियड में आने लगा, अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता है, दिन में शुरुआत में वो पीरियड आ जाए। या हिंदी, कभी कभी हम हिंदी से शुरू करते थे, मुझे हिंदी अच्छा नहीं लगता था उन दिनों में,
मैं बहुत डल स्टूडेंट था और हिंदी में खास करके फेल होता था, बहुत फेल होता था। हर साल दो या तीन बार तो रेड लाइंस आ जाते थे हिंदी में, और हिंदी भी एक नहीं दो हुआ करते थे, दो दो हिंदी क्लासेस, हायर हिंदी, लोअर हिंदी, ये टाइप के दो सब टॉपिक्स थे, मुझे ठीक से याद नहीं है क्या है, दोनों में रेड लाइंस। हिंदी में मैंने बहुत रेड लाइंस खाए। अच्छा नहीं लगता था कि वो फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास है, या फिर रिसेस के बाद वाला क्लास है, इमीडिएटली शुरुआत में यही क्लास है। कभी कभी दो क्लासेस साथ में लग जाते हैं, तो दो क्लासेस कंटिन्यूअसली बैक टू बैक हिंदी, अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आ रहा है। तो हर साल कुछ ना कुछ आपको ऐसे लगता है कि इसमें मुझे मजा नहीं आया, उसमें मुझे मजा नहीं आया, ये मुझे मजा, एंड ओवरऑल देखा जाए ना तो एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कि मुझे एक डब्बे में डाल के, मार्बल्स के डब्बे में डाल के मुझे हिलाया जा रहा है, गड़गड़ 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 हिलाया जा रहा है। यानी सभी बच्चों को अगर मार्बल समझो गोटी, तो गड़गड़ 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 हिलाया जा रहा है, जस्ट दे आर शेकिंग यू, रॉकिंग यू, मिक्सिंग यू। अब आप कह सकते हो ये एक अच्छा प्रोसेस है, बच्चों को वेल राउंडेड पर्सनैलिटी देती है, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को डिसओरिएंट कर देता है। हर साल आप बदलते हो, हर साल आपके दोस्त बदलते हैं, आपके टीचर्स बदलते हैं, आप जिनसे रिश्ता बनाते हो, जिसके साथ फ्रेंडशिप होता है वो बदल जाते हैं, आपका जगह बदल जाता है, आप कभी फ्रंट बेंचर थे, बैक भेजा जाता है, साइड भेजा जाता है, राइट भेजा जाता है, लेफ्ट है, क्लासरूम का ओरिएंटेशन अलग है, बिल्कुल मजा नहीं आता है। कम से कम मुझे तो बिल्कुल ही मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा तो ठीक है यार, ट्रॉमाटाइज हुआ, ऐसे मुझे लगा कि हर साल आप मुझे आउट, मुझे ऐसा एहसास दिलाया है कि तुम, मैं कितना आउट ऑफ कंट्रोल हूं। हर साल मुझे एक नॉट इन कंट्रोल वाला फीलिंग कि मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं करता, मेरी लाइफ में मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं करता, जो कहते हैं वो मुझे करना पड़ता है, यानी कैदी, बेसिकली कैदी वाला फील, सुबह से लेकर शाम तक कैदी, कैद होना, इम्प्रिजन, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। कभी कभी मुझे शायद फिफ्थ सिक्स सेवेंथ में थोड़ा सा एक सेंस ऑफ कंट्रोल आने लगा, थोड़ा सा एक, मैं कुछ किसी चीज को मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं, इस टाइप के एक फीलिंग आने लगा। टेंथ पहुंचते पहुंचते एक फीलिंग आया कि हां अब मैं थोड़ा एक कंट्रोल में आया हूं अपनी लाइफ के ऊपर, थोड़ा सा। लेकिन फिर भी अंटिल एंड ऑफ कॉलेज ओवरऑल फीलिंग मजा नहीं आया, जेल, बिल्कुल जेल, 100% जेल, जेल जेल से पास हुए हैं ये फीलिंग। कुछ किया, कुछ सीखा, एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा सीखा और एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा किया। हाँ, कॉलेज में कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस, ये टाइप के कुछ बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट्स थे मेरे, तब लगता था हाँ ये सही है। स्कूल में भी कुछ कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, तब लगता था हाँ ये सही है, ये मजा आ रहा है। साइंस एक फेवरेट सब्जेक्ट था, इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट था, कभी कभी ज्योग्राफी फेवरेट था, तो कभी कभार अच्छा लगता था। लेकिन ओवरऑल ऐसे लगता है कि आपको एक गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है, फिर आपको कंकड़ वाला चावल खिलाया जा रहा है, फिर आपको ज्यादा नमक वाला दाल ठूसा जा रहा है आपके मुंह में, फिर आपके ना आपको दूध पिला रहे हैं, फिर वापस चावल कंकड़ वाला, फिर दाल जो बिगड़ा हुआ है, खराब दाल, और अगर कुछ अच्छी चीज है जिसको आप एंजॉय कर रहे हो तो अचानक से वो एंड हो जाता है, अचानक से वो चैप्टर, नो वील स्किप दिस चैप्टर, कहते हैं खट ओवर, या साल एंड हो जाता है और कहते हैं ये दिस इज नॉट इन द पोर्शन, तो आप जिस चीज को एंजॉय कर रहे थे आधे अधूरे में छोड़ दिए। बड़ा डिसरप्टिव, ओवरऑल मैं कहूं तो बड़ा डिसरप्टिव प्रोसेस है ये, आपको डिसजॉइंटेड कर देता है, एक ओवर एक कंप्लीट फीलिंग नहीं देता है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब ये सब करके आप कर क्या रहे हो, पेरेंट्स क्यों भेज रहे हो बच्चों को स्कूल में? आप इसलिए भेज रहे हो, एक तो आपका सेल्फिश मोटिव है, बहुत ही सेल्फिश रीजन है, एक सेल्फिश रीजन आपका ये है कि आप दोनों, मेनली दोनों पेरेंट्स स्कूल, अरे सॉरी, आप अपने जॉब पे जाना चाहते हो, आप दोनों अपने जॉब पे जाना चाहते हो, बच्चों को कहां पे छोड़ेंगे, बच्चा क्या करेगा दिन भर, आप ये सवाल के जवाब ठीक से दे नहीं पाते हो। दादा दादी के साथ
बैठे रहेंगे तो बच्चे उनको परेशान करेंगे और वो क्या सीखेंगे वगैरह, और आपको एंजाइटी है कि बच्चे ने दिन अपना समय को प्रोडक्टिवली यूज नहीं किया, उसने कुछ नया नहीं सीखा, ये कह के आप स्कूल भेज रहे हो बेसिकली एज अ प्लेस टू पुट हिम सो दैट आप ऑफिस में जा सकते हो, और ऑफिस से लौटोगे तब तक बच्चा आ चुका होगा, फिर उसको होमवर्क में लगाना है, मतलब बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन, बच्चे की जो एनर्जी है उसको कंज्यूम कर लेना है, इसलिए आप बच्चों को स्कूल भेजते हो। अगर बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट में होता तो जाके खेलता दूसरे बच्चों के साथ और आपस में बात करके कुछ ना कुछ करके शायद उस एरिया में घूमता, बहुत कुछ कर सकता था, वो बहुत कुछ कर सकता था अपनी नेचुरल एंटरप्राइज से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बच्चा करता, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल निकम्मे नहीं होते, वो बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं, लेकिन आप उसको तो देख ही नहीं सकते, वो तो है ही नहीं, पेरेंट्स की नजर में तो कंप्लीट टाइम वेस्ट है, तो स्कूल भेज दो। ये एक पहला बात, पहली बात। दूसरी बात है कि आपको एंग्जाइटी है कि ह्यूमन ये स्टैंडर्डाइज्ड ह्यूमन आपने अगर नहीं किया तो स्टैंडर्डाइज्ड ह्यूमन नहीं रहा ये इंसान आपका बच्चा, तो जब वो 21 साल का होगा 22 साल का होगा तो उसका क्या होगा, उसको कहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसको कौन रखेगा, उसको वो अपनी पेट कैसे पालेगा, तो ये टाइप के आपके एंग्जाइटीज हैं। सही है, बहुत ज्यादा गलत नहीं है, है भी ये बातें हैं, लेकिन सवाल ये है आज जॉब मार्केट इतना कम है, इतना पुअर है कि सारे एजुकेशन के बाद अगर बच्चा स्पेशलाइज किया होता, फॉर एग्जाम्पल सपोज पढ़ाई करने के बदले आपने भेज दिया एक म्यूजिशियन के पास और उसने म्यूजिक सीखा, और म्यूजिशियन के पास जाने का मन बच्चे का अगर होता, वो अगर म्यूजिक सीखना चाहता था तो संभव है कि वो म्यूजिक में अपना नाम कमाता या म्यूजिकल लाइन में पहुंच जाता और कंसर्ट्स में तबला वादक या फ्लूट वादक या जो भी है वादक या गायक बनके उसकी लाइन सेट हो जाती। अगर आपने एथलेटिक्स में भेजा होता तो यानी अगर बच्चे को सिर्फ एथलेटिक्स करना था या सिर्फ स्पोर्ट्स करना था तो शायद वो उस लाइन में कहीं पे वो डायरेक्शनलेस न होता, वो डायरेक्शनलेस न होता, वो क्लूलेस न होता। लेकिन आज के तारीख में बच्चे ने सब कुछ किया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश हिंदी सब किया है, सब करने के बाद जॉब मार्केट है ही नहीं, गुड्स तैयार है प्रोडक्ट ये देर इज नो कंज्यूमर, और गुड्स ऐसा है कि पड़े पड़े सड़ रहा है, दो साल तीन साल पास हो जाएगा, चार पांच साल पास हो जाएगा, फिर आप पूछोगे बच्चे से तुम 27 साल के हो गए हो तुमने किया क्या, अरे उसको तो सिर्फ जॉब मार्केट के लिए तैयार किया था। अब एक काम कर सकते हैं लोग और वो ये है कि कंटिन्यू दी एजुकेशन, और कंटिन्यू एजुकेशन इसलिए भी करते हैं, अरे ठीक है यार नई नौकरी लग रहा है तो चलो और थोड़ा पढ़ लो और आगे यानी बीकॉम कर लिया चलो एमकॉम कर लो फिर देखते हैं नौकरी पे लगेगा कि नहीं, अच्छा एमकॉम पे नौकरी पे नहीं लगा चलो यार पीएचडी कर लो या एलएलबी कर लो। तो ये है एक्सटेंडेड एजुकेशन कह सकते हो या एक्सटेंडेड चाइल्डहुड कह सकते हो या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो, क्योंकि आप उस बेसिकली वो अनएम्प्लॉयड है और उसके मन में वो अनएम्प्लॉयड है, वो कह रहा है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए मैं ये एलएलबी वगैरह कर रहा हूं, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं अपने आप को और मैं यानी मेरे चाइल्डहुड को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। आप कह सकते हो स्पेशलाइजेशन होगा भी, स्पेशलाइजेशन कुछ लोगों के केस में पॉजिटिव चीज है, स्पेशलाइजेशन है जेन्युइन है और जेन्युइनली वो कुछ सीख रहा है और जेन्युइनली उसके लिए कोई एक स्ट्रीम ओपन हो रहा है, उसमें क्या कमाएगा थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं बहुत लक पे डिपेंड करता है किधर काम करेगा वो क्या कमाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन एक जगह पे लग रहा है तो ये अच्छी बात है। एट द सेम टाइम ऑन द अदर साइड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्लूलेस है, क्लूलेस थे तभी भी क्लूलेस थे आगे अभी भी क्लूलेस है। आपने उनको एक एक्सपेक्टेशन दिया था कि एक जॉब मार्केट है, आप ये पढ़ो बेटा आपके लिए एक जॉब है, आप वो पढ़ो बेटा उसके लिए एक जॉब है, आप सीए बनो उसके लिए एक जॉब है, आप इंजीनियर बनो उसके लिए एक जॉब है,
फिर पता चलता है यार इंजीनियर बन गया, इंजीनियरिंग कर लिया। सिविल इंजीनियरिंग में सुपरवाइजिंग इंजीनियर्स रखते हैं, 30 साल के सुपरवाइजिंग इंजीनियर्स को मिलता है 5-8 साल के एक्सपीरियंस के बाद सुपरवाइजिंग इंजीनियर्स को मिल रहा है सिविल इंजीनियर्स जो साइट पे जाते हैं 15,000-20,000, यानी बिल्कुल एंट्री लेवल सैलरीज। तो इस तरह से बहुत सारे लाइंस हैं जहां पे सिर्फ एंट्री लेवल सैलरीज। मैंने सीएस को हमेशा मैंने ब्रेन समझा है कि ये लोग यार बहुत ही बिग ब्रेन्स होते हैं। सीए करना बहुत मुश्किल होता है, सीए का एग्जाम पास करना, लेकिन सीएस 30-30, 40-40 हजार की सैलरी में काम करते हैं, लेकिन किस उम्र में? जब वो 50 और 60 तक पहुंचते हैं तभी भी वो 30 के सैलरी में काम कर रहे हैं, सैलरी पे काम ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसे सीए के लाइन में, यानी बहुत ही स्पेशलिस्ट लाइन में। वहां पर भी यानी एक जॉबलेस सोसाइटी क्रिएट किया गया है, एक हमारा जो आज का समाज है। आप लोग ना कैपिटलिज्म को बहुत एक खुदा बना के बैठे हो और कम्युनिज्म को एकदम शैतान बना के बैठे हो। आपको लग रहा है अरे कम्युनिज्म मतलब शैतान है, ये मार्क्सिस्ट मतलब दुनिया का सबसे इविल आदमी है, या जो लोग मार्क्सिस्ट अपने आप को कहते हैं वो या तो क्लूलेस हैं या तो इविल हैं, वो दुनिया को बर्बाद करना चाहते हैं, ये टाइप के की बातें अफवाहें फैलाई गई है। अब इंसानों का सेंट्रिक, इंसानों उस पर केंद्रित अपनी अर्थव्यवस्था नहीं है, इकोनॉमी नहीं है और समाज नहीं है। इकोनॉमी इज द मनी पार्ट ऑफ समाज, ठीक है। इकोनॉमी नहीं है इंसानों पर केंद्रित, आज का इकोनॉमी है अजीब तरीके से पैसों पर केंद्रित, कैपिटल पर केंद्रित, बिग बिजनेस पर केंद्रित। कैसे इंसानों को कम करके कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अदर रिसोर्सेस एंड सॉफ्टवेयर्स को बढ़ा के किस तरह से जॉबलेस ग्रोथ करना, किस तरह से आपका कंपनी अगर 25,000 करोड़ कमा रहा है तो अगले साल आप 35,000 करोड़ कमाना चाहते हो, नौकरियां कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, तो ये समाज का एक ट्रेंड हो गया है। हर चीज मैकेनाइज कर सकते हो, जितना ऑटोमेट कर सकते हो, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, लेकिन जब जॉबलेस ग्रोथ है तो ये टाइप के एजुकेशन का क्या फायदा? जो होल बफेलो मिल्क, इतनी सारी मलाई वाले बफेलो मिल्क को टोन्ड एंड स्टैंडर्डाइज बफेलो मिल्क बना के 4% फैट के साथ मार्केट में डाल देता है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है, क्या फायदा है? व्हाट इज द यूज? मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण देवर्धन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय